और दोस्तों, मैं सीएम मनोज गुप्ता स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस में। लेक्चर नंबर 22। अभी तक हमने डिस्कस किया रेजिडेंशियल स्टेटस में कि इंडिविजुअल के केस में और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के केस में रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे चेक किया जाता है, कैसे पता लगाया जाता है। आज हम बात करेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस इन केस ऑफ कंपनी। तो कोई भी कंपनी, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड है या लिमिटेड है, चाहे वो लिस्टेड है या फिर अनलिस्टेड है, किसी भी तरह की कंपनी, उसका रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे चेक किया जाता है, कैसे पता लगाया जाता है, इसके रिगार्डिंग कहा गया है कि कोई भी कंपनी रेजिडेंट कहलाएगी। कोई भी जो कंपनी है वो रेजिडेंट कहलाएगी। नंबर वन, अगर वो एक क्या है, इंडियन कंपनी है, तो कोई भी इंडियन कंपनी हमेशा क्या कहलाएगी, एक रेजिडेंट। दूसरा, अगर वो नॉन इंडियन कंपनी है, नॉन इंडियन कंपनी है या मैं कहूँ फॉरेन कंपनी है, तो ऐसे में वो तभी रेजिडेंट कहलाएगी अगर इट्स प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इन दैट ईयर इज इन इंडिया। तो यहां पर यह कहा गया कि कोई भी कंपनी वो क्या कहलाएगी, रेजिडेंट, अगर वो क्या है, एक इंडियन कंपनी। तो सीधा सा मतलब ये है कि कोई भी अगर कंपनी इंडियन कंपनी है तो वो 100% केसेस में क्या है, रेजिडेंट। और अगर कोई नॉन इंडियन कंपनी है तो वो तभी रेजिडेंट कहलाएगी जब इट्स प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इन दैट ईयर। इन दैट ईयर मीन्स जिस ईयर के लिए हम चेक कर रहे हैं, जिस प्रीवियस ईयर के लिए हम उसका रेजिडेंशियल स्टेटस जानना चाह रहे हैं, उस ईयर में अगर उसका इफेक्टिव प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है, अगर जो उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है, तो वो क्या कहलाएगी, रेजिडेंट। तो कोई भी कंपनी नॉन रेजिडेंट कब कहलाएगी, नॉन रेजिडेंट वो सिर्फ एक ही केस में कहलाएगी। नंबर वन, वो क्या होनी चाहिए, नॉन इंडियन कंपनी या फिर मैं कहूँ फॉरेन कंपनी, और क्या है, जिसका इफेक्टिव, जो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इन दैट ईयर इज नॉट इन इंडिया। तो कोई भी फॉरेन कंपनी जिसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट है वो क्या है, इंडिया में नहीं है उस साल में, जिस साल के लिए हम चेक कर रहे हैं, जिस साल के लिए हम जानना चाहते हैं, उस साल में अगर वो इंडिया में नहीं है उस कंपनी का इफेक्टिव मैनेजमेंट, तो ऐसे में वह क्या कहलाएगी, नॉन रेजिडेंट। अगेन, इंडियन कंपनी वो कंपनी होती है जो या तो रजिस्टर्ड है, इनकॉर्पोरेटेड है अंडर कंपनीज एक्ट 1956 या फिर कंपनीज एक्ट 2013। तो अगर कोई भी कंपनी इन कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है तो वो हमेशा क्या होती है, इंडियन कंपनी। और ऐसे में यह इंडियन कंपनी हमेशा क्या होती है, रेजिडेंट। और अगर मैं बात करूं इनके अलावा जो कंपनी बच जाती है, तो उन कंपनी के केस में हमें उनका जो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट है वो चेक करना होता है। अगर वो इंडिया में है तो रेजिडेंट है, अगर इंडिया में नहीं है तो वो नॉन रेजिडेंट है। अब बात आती है कि प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट क्या होता है, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट क्या होता है।
तो इसके लिए एक एक्सप्लेनेशन दी गई है इनकम टैक्स एक्ट में। जब भी किसी चीज़ को, किसी टर्म को एक्सप्लेन करना होता है इनकम टैक्स एक्ट में, तो उसके रिगार्डिंग एक्सप्लेनेशन दी जाती है। तो यहाँ पर कहा गया कि जो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट है वो कहा जाएगा जहाँ पर की मैनेजमेंट क्या लेती है, डिसीजंस लेती है। और जो कि किस चीज के लिए डिसीजन लेती है, जो कि नेसेसरी है, जरूरी है टू कंडक्ट दी बिजनेस। तो बिजनेस को चलाने के लिए जो भी नेसेसरी डिसीजंस हैं वो जो लिए जाते हैं बाय दी की मैनेजमेंट, उस जगह को क्या कहा जाएगा, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। तो अगर मैं एक बात करूं कंपनी की, तो जैसा कि आप सब जानते हैं कंपनी के केस में जो डायरेक्टर्स होते हैं वो की मैनेजमेंट पर्सनल होते हैं, की मैनेजमेंट पर्सन्स होते हैं। तो ऐसे में वो जहां पर भी डिसीजंस लेते हैं वो डिसीजंस क्या है, वो जो बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए जरूरी है वो डिसीजन लेते हैं। तो ऐसे में जिस जगह पर ये डिसीजंस लिए जाते हैं, जिस जगह पर ये की मैनेजमेंट जो पर्सन्स हैं इनकी मीटिंग्स होती हैं, जहाँ पर ये डिसाइड किए जाते हैं, वहाँ पर बेसिकली माना जाएगा प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। तो अगर ये इंडिया में है तो ऐसे में वो कंपनी क्या कहलाएगी, रेजिडेंट। और अगर वो इंडिया से बाहर है तो ऐसे में वो कंपनी क्या कहलाएगी, नॉन रेजिडेंट। और कंपनी के केस में हमेशा ध्यान रखें, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट दो ही स्टेटस होते हैं, ऑर्डनरी रेजिडेंट और ऑर्डनरी रेजिडेंट और नॉट ऑर्डनरी रेजिडेंट, ये दोनों स्टेटस कंपनी के केस में नहीं होते हैं। सिर्फ दो ही स्टेटस होते हैं, रेजिडेंट या फिर नॉन रेजिडेंट। तो आई होप कंपनी के केस में कैसे पता लगाया जाता है कि कोई कंपनी रेजिडेंट है या फिर नॉन रेजिडेंट, तो ऐसे में आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल अबाउट टैक्सेस। और अगर आपको हमारा कोर्स अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल अबाउट टैक्सेस।